very much. Thank you. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. बैठ जाइए सब. बैठ जाइए. देवियों सज्जनों, वैसे तो केबीसी एक खेल है, लेकिन अक्सर इसकी शुरुआत मैं जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों से करता हूं. मैं ऐसा क्यों करता हूं? ऐसा इसलिए ताकि इस खेल और हमारी जिंदगी का जो गहरा कनेक्शन है वो आप समझ सकें. देखिए, यहां सवालों और जवाबों के बीच से किसी अपने की उम्मीदें झांकती हैं. यहां चार ऑप्शंस के एक सही ऑप्शन में किसी के जीवन का सपना इंतजार करता है. कभी कभी यहां के पड़ाव जीवन के उतार चढ़ाव में सहारा बन जाते हैं. ये खेल भले ही किसी के लिए साधारण खेल हो, लेकिन ये खेल किसी की जिंदगी बनाता है. इसीलिए इस खेल का जिंदगी से इतना गहरा नाता है. आज इस खेल और अपनी जिंदगी के इस नाते को और मजबूत करने आ रहे हैं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी. मैं चाहता हूं कि आप सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें. सबसे पहले अपर्णा सिंह लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से. हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं योगेश कुमार कालरा जी, ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं. फिर आते हैं डॉक्टर खुशबू सेठी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से. फिर हैं कुणाल सिंह एन डोडिया अहमदाबाद गुजरात से. डॉक्टर अभिषेक गर्ग पंचरखी दादरी हरियाणा. नम्रता शिवास हैं पुणे महाराष्ट्र से. अद्रिका महातो फ्रॉम रौरकेला उड़ीसा. मोठिया कासम भाई उमर भाई प्रभास पाटन गुजरात से. डॉक्टर आकांक्षा जैन फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश. और अंत में आनंद राजू पुरापाटी यशोलापुर महाराष्ट्र से. बहुत बहुत स्वागत आप सभी एक बार फिर. बहुत बहुत बधाई आप सबको. जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. तो आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एक प्रश्न आएगा वहां पर और आपको बताना पड़ेगा कि उसका सही क्रम क्या है. और जो सबसे सही उत्तर देगा और जो सबसे तेज उत्तर देगा वो आकर के वहां हॉट सीट पर बैठेगा. तो रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में लगाएं. अरेंज दीज कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन. और आपका ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए वेटिकन सिटी, बी पाकिस्तान, सी जर्मनी, डी भारत इंडिया. अरेंज दीज कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन. एंड योर ऑप्शंस आर ए वेटिकन सिटी, बी पाकिस्तान, सी जर्मनी, डी भारत इंडिया. समय समाप्त हो गया है. आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का. सबसे पहले है डी भारत इंडिया, उसके बाद आता है बी पाकिस्तान, फिर है सी जर्मनी और अंत में है ए वेटिकन सिटी. यह है सही क्रम. डीबीसीए. अब जिन जिन लोगों ने डीबीसीए में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम. अरे बाप रे, 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया. और सबसे तेज जवाब कुणाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. वेल प्लेड. क्या कर रहे हैं आजकल आप सर? सर मैं गुजरात पुलिस में एज ए पुलिस सब इंस्पेक्टर डीजीपी ऑफिस में ह्यूमन राइट सेल्स में हूँ सर. सर आपको देख करके हमको डर लगता है क्योंकि आप पुलिस से हैं. तो बहुत डर डर के हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे, लेकिन आप एकदम जोर से उसका उत्तर दीजिएगा. ठीक है सर. डर क्यों लगता है सर? पुलिस सर, पुलिस भी तो सर इंसान है. हाँ नहीं, इंसान है सर, लेकिन सर एक बार वो डंडा उंडा घुमा देते हैं ना तो बहुत डर लगता है. कहीं भी जाते समय गाड़ी रोक देंगे. उधरो, खड़े हो जाओ, कहाँ से हो, क्या नाम है, मुंह खोलो, ब्लो करो, इसमें शराब पिया है तुमने, ऐसे ऐसे होता है तो बहुत डर लगता है मुझसे. लेकिन सर कुछ भी हो, आज आप हमारे सामने हैं और सबसे अच्छी बात हमको ये लग रही है सर कि आपकी मुस्कान जो है ना वो बहुत सुंदर है.
थैंक यू सर, बट मुझे पता नहीं है कि ये मेरा एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। अगर आपको किसी को डांटना हो तो आप हंस के डांटेंगे? सर मींस ये सोसाइटी में ये इमेज है कि भाई पुलिस है थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हाँ। सो जैसे आपने कहा हंस के तो किसी को डांट नहीं सकते। नहीं नहीं कर सकते हैं सर। जा पकड़ लिया तुमको, बाहर निकला घर से। सर ऐसे भी हो सकता है ना, क्या है उसमें? तो कभी ट्राई नहीं किया सर, बट आपका सजेशन अच्छा है काफी। दंड ही देना ना आपको हंस में तो उसको, तो आप हंसते हंसते उसको बोल दीजिएगा। अच्छा तो आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए थे? सर कंपेनियन में मेरी वाइफ आई है सर। जी जी जी, प्रणाम, कहाँ है? प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? श्रेया बा कुणाल सिंह डोडिया। और कौन आए हैं आपके साथ? सर मेरे फादर आए सर। जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे मदर आए हुए, माता श्री भी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, जल्दी से आपको खेल के नियम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, पहला प्रश्न होगा 1,000 रुपये का, उसके सामने आपको उत्तर देना होगा। जैसे ही आप सही उत्तर देंगे आपको धनराशि जीत जाएंगे। 1 से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते हम चले जाते हैं 16वें प्रश्न पर 7 करोड़ रुपए, बीच में 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। पहले 5 प्रश्नों के लिए यहाँ पर एक बाधुमती जी हैं, तो ये देखिए आवाज सुनिए। तो पहले 5 प्रश्नों तक ये देगी आपको 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको देगी ये 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत। 10वें प्रश्न के बाद हम बोलते आ रहे हैं ना कि खेल में बदलाव आया है, तो बदलाव ये है कि 10वें प्रश्न के बाद एक सुपर संदूक खुलता है। ये देखिए ये है सुपर संदूक। तो 10वें प्रश्न के बाद ये सुपर संदूक खुलेगा, इसके जितने भी नियम हैं आपको तब बताएंगे। 3 लाइफलाइन आपकी रखी हुई है, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑलराइट लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न कुणाल जी, 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये राम। ये उपकरण आपके शरीर के किन अंगों पर लगाया जाता है? ये एक आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। This equipment is placed over which parts of your body? Can we see the picture, please? देख लिया? Yes, sir. Options रखता हूँ। और ये रहे 4 options आपके सामने। A. Mouth and nose. B. Eyes and ears. C. Neck and shoulders. D. Waist and hips. A. मुंह और नाक। B. आँख और कान। C. गर्दन और कंधे। डी कमर और कूल्हे। सर ए माउथ एंड नोज। माउथ एंड नोज, यस सर। लगा दें? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म हम आपके हैं कौन में कौन सा जानवर अंपायर की भूमिका निभाता है? विच एनिमल एक्ट्स एज एन अंपायर इन द फिल्म हम आपके हैं कौन? ऑप्शन सुनिए, ये रहे 4 ऑप्शंस। ए एन एलिफेंट, बी अ कैट, सी अ बर्ड्स, डी अ डॉग। ए एक हाथी, बी एक बिल्ली, सी एक पक्षी या डी एक कुत्ता। सर डी अ डॉग। डी अ डॉग, एक कुत्ता, इस पे ताला लगाना जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। रेडो एक भारतीय स्पिट्स है, सूरज बड़जात्या जी की ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन टफी की भूमिका निभाई थी इन्होंने। पता नहीं आपने फिल्म देखी या नहीं देखी। देखी है सर मैंने। तो एक सीन में उसे क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करते हुए दिखाया गया था और शूटिंग समाप्त होने के बाद रेडो माधुरी दीक्षित जी उसको गोद ले गई, आपको पता है? ओके सर ये नहीं पता। हाँ ओके, आगे चलते हैं खेल में। 3,000 रुपए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक वीडियो प्रश्न है, इस वीडियो में कौन सा प्रतिष्ठित मंदिर दिखाया गया है? Which iconic temple is shown in this video? वीडियो दिखाया गया। देख लिया सर? Yes sir. All right. इस वीडियो में कौन सा प्रतिष्ठित मंदिर दिखाया गया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे,
ए कोणार्क सन टेम्पल, बी कामाख्या टेम्पल, सी सोमनाथ टेम्पल या डी लिंगराज टेम्पल। ए कोणार्क सूर्य मंदिर, बी कामाख्या मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर या डी लिंगराज मंदिर। सर सी सोमनाथ टेम्पल को आप लॉक कीजिए सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। सी सोमनाथ टेम्पल कह रहे हैं तो अल्लाह का ये सही जवाब है। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले का उद्गम यहीं पर हुआ था, और ये तो आप ही के प्रांत का है। यस सर। और कई बार आप गए होंगे यहाँ पर सर? सर मैं गया हूँ सर, और वहाँ पे एक एरो बना हुआ है। सर मैं वही बात करने जा रहा था। ओके सर। कि उसके प्रांगण में जब आप पूरी भूमिका गोल जाते हैं तो इधर जहाँ समुद्र है उधर एक फ्लैग पोस्ट लगा है, उसके ऊपर एक एरो है ऐसा। यस सर। वो पॉइंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में अगर आप सीधा जाएंगे तो एंटार्क्टिक पोल तक पहुंच जाएंगे। देयर इज नो लैंड इफ यू फॉलो दिस इन अ स्ट्रेट लाइन राइट टिल द साउथ पोल। यस सर। ऑलराइट। तो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, ये है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक घंटे के 60वें भाग को दर्शाता है? Which of these denotes the 60th part of an hour? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने, ए सेकंड, बी मिनट, सी डे, डी फॉर्टनाइट। ए सेकंड, बी मिनट, सी दिन या डी पखवाड़ा। सर बी मिनट को लॉक कीजिए सर। बी मिनट तय कर लिया आपने? यस सर। ताला लगाया जाए बी मिनट पे। बिल्कुल सही जवाब। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1/60th of an hour इज 1 मिनट। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्ट्रोक में तैराक अपने धड़ को ऊपर की ओर करके तैरता है? In which of these strokes does the swimmer swim with his torso facing up? और आपके ऑप्शन है ये, ए ब्रेस्ट स्ट्रोक, बी फ्री स्टाइल, सी बटरफ्लाई स्ट्रोक या डी बैक स्ट्रोक। सर डी बैक स्ट्रोक को लॉक कीजिए सर। ऑलराइट, डी बैक स्ट्रोक लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वो नाम से पता चल जाता है कि उल्टा लेट करके ऐसे पानी में लेट जाते हैं और फिर हाथ पांव जो मारते हैं उसे बैक स्ट्रोक कहते हैं। ऑलराइट, तैरते होंगे आप, पुलिस में ट्रेनिंग हुई होगी इसकी? सर पुलिस में जाने से पहले मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बट मैं ट्रेनिंग में स्विमिंग सीख गया सर जी, और अभी बैक स्ट्रोक में ट्राई कर रहा हूँ सर। सर ऐसा सोचिए कि वो बिस्तर है आपका पानी, उस पर लेट जाइए और जहाँ डूबने लगे हाथ पांव मारना शुरू कर दीजिए, बैक स्ट्रोक हो जाएगा, आसान रहेगा सर। ओके ओके, अब आएगा आपके सामने छठा। सर ये संकेत हो गया है कि आज का सवाल आने वाला है। तो देवियों सज्जनों, बदलाव की लहर देश के साथ साथ इस शो में भी देखने को मिल रही है। अब देशवासियों को भी इस खेल में भागीदारी करना है, क्योंकि अब सवाल पूछेंगे आप और उसका जवाब देगी हमारी स्टूडियो ऑडियंस। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी से है। नमस्कार, मेरा नाम विमल कुमार यादव है और मैं बेंगलुरु कर्नाटका से हूँ। मेरा सवाल है, कर्नाटका के तुमकुरु में HL फैक्ट्री क्या बनाती है जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है? ऑप्शन ए रेलवे इंजन, ऑप्शन बी सीमेंट मिक्सर, ऑप्शन सी जहाज, ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर। रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग यूनिट वोटिंग नंबर 14, 1-4, नंबर 14। वाह, वेल डन। तो ताली बजा इनके लिए। नमस्कार, आपका नाम मैं जानता हूं
फिर भी आप बता दीजिए सबके लिए। सर दीपल से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। Here you are. All the very best. Thank you so much. Thank you. अब आपको जनता को बताना होगा कि सही आंसर क्या है। हेलीकॉप्टर। बिल्कुल सही जवाब था इनका। ऑलराइट। भाई साहब क्या उम्मीद लेकर के आए हैं आप कुणाल? सर मेरी उम्मीद यही है कि मैं अपने फादर को प्रूव कर सकूं। अरे क्योंकि सर अपने जॉब में तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वे से काम करता हूं सर, बट घर में थोड़ा मुझे कैजुअल और नॉर्मल रहना पसंद है। सो मेरे फादर को ये लगता है ये बहुत बड़ा आलसी है। कुणाल पुलिस वाला अच्छा है लेकिन बेटे के हिसाब से देखो तो 50% ही है। वो क्या है घर की कामकाज में हाथ नहीं बटाता। आज लाइट नु बिल भरवानु छे। हूं कर दईश। પછી શાકભાજી લાવવાની છે। ये आई है सर। दूध लावानु छे। ये हमणा हूं ऑर्डर कर दऊ छू। जमवानु ही बधु ऑनलाइन मंगाई दईश। जमवानु ही ऑनलाइन थई जशे। तो तारे शू करवानु तारे? मारे आराम करवानो। आराम करवानो एम? मेरे हिसाब से ये बात गलत है। मैं अपने काम अपने टाइम पे खत्म कर देता हूं। अब उनको इमरजेंसी है बट मुझे उस काम की इमरजेंसी नहीं है। वो दूसरे दिन भी हो सकता है। सो मैं उनके जो इल्जाम है बिल्कुल गलत है। मैं अपनी तरीके से सही हूँ। बहाने लगाने में वो एक्सपर्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट है। घर के काम तो छोड़िए, ये बाहर भी घूमने नहीं ले जाते हैं मुझे। कुणाल मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सोते रहो। घर पे डिमांड को फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। वो जॉब से ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। केबीसी में पैसे तो जीतते है लेकिन केबीसी जिम्मेदारी भी सिखाता है और कुणाल केबीसी में जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि वो आलसी कुणाल बन के नहीं निकले, वो जिम्मेदार कुणाल बन के निकले। वो चेंज तो नहीं होंगे, वो जैसे वैसे ही रहेंगे, उसका तो कुछ नहीं। तो बहुत से कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं और उनकी अभिलाषा होती है कि वो अपने जितने भी सपने हैं उनको वो पूरा करें, उनका मन जो है साफ रहे। आप पहले कंटेस्टेंट हैं जो प्रूव करने आए हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी अभी आपने सुना आपके पिताश्री को और पत्नी जी को भी सुना। सर इतना आलसीपन क्या है ये? सर आलसीपन नहीं है, उन्हें वो लगता है कि आलस है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। मैं बचपन से ऐसा हूँ सर। हाँ मैं पुलिस में भर्ती हुआ उसके बाद हाँ अपने जॉब के लिए मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदारी से मैं वो काम करता हूँ, बट घर पे तो मैं नॉर्मल जैसे सब होते हैं मैं वैसा ही हूँ सर। बिंदास हूँ, नॉर्मल रहना मुझे पसंद है, कैजुअल वे में। इनको ये जमता नहीं है सर। हाँ पत्नी जी कह रही थी कि आप कभी बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। नहीं सर, चेंज तो जरूरत के हिसाब से हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? हो सकते हैं। सुन लिया, आज सार्वजनिक रूप से इन्होंने बात मान ली है, अब जा करके घर पे इनके हाँ समझ लीजिए। समझ लूंगी मैं। बट सर उनका पॉइंट भी तो वैलिड होना चाहिए ना, तब मैं चेंज हो सकता। एक बात बताऊं आपको भाई साहब, पत्नी का हर पॉइंट वैलिड होता है। तो सही कर रहा हूं कि नहीं मैं? सर उसके साथ कभी भी सर ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। सर मुझे लगता है आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। पत्नी जी बोलिए, कह रहे हैं कि बदलेंगे नहीं लेकिन अब इनको बदला दीजिए आप। नहीं वो क्या है, डाइटिंग नहीं करते हैं, मुझे उसमें ही ज्यादा बोलना पड़ता है। खाने की चीज में ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ वो दिख रहा था थोड़ा। इनका शरीर वो यूनिफॉर्म से बाहर आ रहा था। उसका कोई परवाह नहीं की, ऐसा भी क्या है, जो जिस काम में वो है उसमें थोड़ा भारी भरकम दिखना चाहिए। नहीं उसमें फिटनेस भी चाहिए ना, जिस काम में है उसमें फिटनेस ज्यादा चाहिए। तो फिट है ना बिल्कुल। अभी देखिए भाई साहब, थोड़ा सा अपने में बदलाव ले आइएगा और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइएगा ताकि यहाँ से जब आप घर जाएं तो पता चले सबको कि केबीसी की वजह से आपके अंदर कुछ बदलाव आया। ठीक है सर, चुनाव खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो है हमारी जी
बाधुमति जी, ये अब आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुणाल, ये भी एक इमेज प्रश्न है। यस सर। इस चित्र में किस व्यक्ति को दिखाया गया है? Who is the personality shown in this image? Can we see the image, please? देख लिया? Yes, sir. All right. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Dr. Verghese Kurien, B. Dr. M. S. Swaminathan, C. Dr. A. P. J. Abdul Kalam, or is it D. Baba Amte? सर, ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को आप लॉक कीजिए सर। ओके, ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ताला लगाया जाए। वेल डन इज द राइट आंसर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात में आनंद नामक शहर में ये दूध उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। यस सर। और ऐसा माना जाता है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल्क नेशन इज इंडिया, यहीं पर सबसे ज्यादा दूध बनता है। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट कुणाल, आगे बढ़ते हैं खेल में। सातवां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांडवों में से किसने अपने मानव रूप के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था? Who among the Pandavas entered heaven in his human form? ऑप्शंस देखिए। ए युधिष्ठिर, बी भीम, सी अर्जुन या डी नकुल। सर, मुझे युधिष्ठिर लग रहा है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं लाइफ लाइन लूंगा सर। कौन सी? ऑडियंस वोट। शांत हो जाइए बाधुमती जी, लाइफ लाइन लेंगे। कुणाल जी, लाइफ लाइन है ऑडियंस वोट की, इसको अंकित कर दिया जाए। लाइफ लाइन अंकित हो गई। ऑडियंस, आपके हाथ में वोटिंग मीटर्स हैं, उठाइए। पांडवों में से किसने अपने मानव रूप के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था? Who among the Pandavas entered heaven in his human form? A. युधिष्ठिर, B. भीम, C. अर्जुन, D. नकुल। और आपका समय शुरू होता है अब। ए युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52%, 52%। 37 मिला है भीम को, 7 और 4 मिला है अर्जुन और नकुल को। क्या करेंगे? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ए युधिष्ठिर। ए युधिष्ठिर, क्या करें? लॉक कीजिए सर। लॉक किया जाए। युधिष्ठिर ए इज द राइट आंसर। स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा करते हुए सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी की मृत्यु हो गई, पर युधिष्ठिर अकेले ही आगे बढ़ते गए और अपने शरीर सहित वो स्वर्ग पहुंचे। युधिष्ठिर, बिल्कुल राइट आंसर। ऑलराइट कुणाल, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न से पहले, क्या आप बचपन से ही इंटरेस्टेड थे कि आपको पुलिस में जाना है? नहीं सर, पुलिस में आना मेरे एक लाइफ का ट्विस्ट था सर। मैं कॉलेज में था सर, तब मेरा एक क्रश था। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, आपसे भी। ऐसा जो संबंध होता है उसको क्रश क्यों बोलते हैं? कोई है सर किसी के पास इसका आंसर? हाँ जी। क्रश बिकॉज इट इज गेटिंग क्रश्ड। हाँ सर, फिर क्या हुआ? हमारे कॉलेज में कंप्यूटर एग्जाम के क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे, सो उसने मुझे आके बताया कि तुम उसमें हिस्सा ले रहे हो। मैं, जैसे उसने कहा, मैं दौड़ के गया, हम दोनों की फीस मैंने जमा कर दी। ठीक है सर, फिर लाइफ में आगे वर्कआउट नहीं हुआ हमारा। अच्छा, नहीं चला आगे? नहीं सर, आज मैं हैप्पीली मैरिड। मैंने सोचा कि पत्नी जो है ये वो क्रश थी। नहीं 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 सर, ये कार्यक्रम जो है ये पारिवारिक होता चला जा रहा है, क्षमा चाहते हैं।
लेकिन अभी स्वयं उन्होंने बोल दिया है पत्नी जी, तो अभी क्या बोले सर। तो क्रश चली गई। यस सर। फिर उसके बाद? फिर सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं मीन्स ट्रेनिंग के एंड में थे हम, तब मुझे रिश्ता आया मेरे वाइफ का। मैं देखने नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे मैरिज ही नहीं करनी थी उस वक्त जी। उसका अलग रीज़न था कि वो पसंद नहीं करना चाहती थी। सो मुझे सर आज भी याद है, होली का दिन था। मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे पूछा था कि आपकी होली तो नहीं बिगड़ी। उसने ना कहा, बट बाद में मुझे जाके उसने बताया कि अब ऑब्वियसली आप पूछोगे मैं ना ही बताऊंगी, पर होली तो बिगड़ी थी। और सर ट्रेनिंग में थे, सो ऑब्वियसली बाल छोटे थे, मीन्स ऑलमोस्ट बॉल टकला था। जी जी, जो काट देते। और धूप में रहने की वजह से रंग भी काला हो गया था। जी। बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि उन्होंने उनके पापा को बोला था ये तो काला और टकला है। पर हम मिले सर, बातें हुई, इंस्टेंटली मेरा डिसाइड हो, मैंने कर लिया था कि मैं इन्हीं से शादी करूंगा। यही है ये। क्या बात है सर। सर तब आपने डिसाइड किया कि यूपीएससी के बाद आप पुलिस अफसर बनना चाहते हैं। सर वो क्रश जो था वो भी पुलिस में गया कि नहीं? नहीं सर। तो नहीं गया ना? नहीं नहीं सर। फिर वो कहाँ गया? नहीं पता किया आपने? नहीं पता है सर। हाँ, तो बहुत अच्छा है। और अर्जुनलाल जी, अब क्रश को भूल जाइए, परिवार को भूल जाइए। आठवां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए, और बता दें बहुत जल्द 2-3 प्रश्नों के बाद खुलेगा सुपर संदूक। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस साल आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में क्या होने पर बीसीसीआई ने हर बार 500 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था। द बीसीसीआई प्लेज्ड टू प्लांट 500 ट्रीज एवरी टाइम व्हाट हैपेंड इन द प्लेऑफ मैचेस ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल। ऑप्शन सुनिए, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए वाइड बॉल, बी नो बॉल, सी डॉट बॉल, ये डी सिक्स है। सर सी डॉट बॉल को लॉक किया जाए सर। वाइड गेंद, नो बॉल, डॉट बॉल या छक्का? आपने कहा सी डॉट बॉल। यस सर। श्योर है? कॉन्फिडेंट? यस सर। डॉट बॉल सी पे थाला लगाया जाए। वेल प्लेड सर। T20 मैचों में डॉट बॉल्स बहुत कम होते हैं। आईपीएल प्लेऑफ्स में होने वाले 294 डॉट बॉल्स के कारण लगभग 1,47,000 पेड़ लगाए जाएंगे। आ गया है नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए नवा प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी आपकी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। जून 2023 में श्री रवि सिन्हा को इनमें से किस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था? श्री रवि सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन जून 2023? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए आई बी, बी सी बी आई, सी ई डी, डी रॉ, आर एन ए डब्ल्यू। सर डी रॉ को लॉक किया जाए सर। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। डी रॉ पे ताला लगाया जाए। सर आप पुलिस फोर्स में? यस सर। ये प्रश्न जो है ये सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, कैसे लगा आपको कि ये रॉ होना चाहिए? सर ये मैंने पढ़ा था क्योंकि
सीबीआई के तो मैं जानता हूँ कि अभी जिन्हें अपॉइंट किया गया है। आईबी और ईडी में मैं श्योर नहीं था, बट मैंने पढ़ा है सर कहीं पे कि ये रॉ में श्री रवि सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट हुआ था सर। मोनिवर आपने जो पढ़ा वो नहीं नहीं सही है। वर्ल्ड ट्रेड चुनाव इज द राइट आंसर। रवि सिन्हा एक आईपीएस अधिकारी है जिन्हें जून 2023 में रॉ का सचिव नियुक्त किया। ऑलराइट कुणाल, आ गया है दसवां प्रश्न। देखिए, इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ गया है दसवां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर कुणाल ये रहा। राजेंद्र प्रथम किस साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था? राजेंद्र द फर्स्ट, द रूलर ऑफ विच एम्पायर, लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन द 11th सेंचुरी सीई। सीई बोलते हैं अभी, कॉमन नीरा हो गया। यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए होसल, बी मौर्या, सी चोला या डी पल्लव या पल्लवा जैसे अंग्रेजी में लिखा। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, आई थिंक सो ये राजा चोला के सन है, राजेंद्र चोला। ओके सो सर मेरा आंसर रहेगा सी चोला। ओके क्या करना चाहेंगे? मैं सी चोला पे लॉक करना चाहूंगा सर। चोला सी पे ताला लगा जाए। One plate, Kunal is the right answer. Well done. Good answer. Superb answer. राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य के एक महान राजा थे और उन्होंने न केवल भारत की भूमि पर कई सफल युद्ध लड़े लेकिन विदेश तक भी अपने साम्राज्य को उन्होंने फैलाया था। ओके, जो आपने जीता है वो चेक मैं आपको लिख करके देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। पर ये आपका है 3,20,000 रुपये। सर ये संकेत हो गया है सुपर संदूक का, सुपर संदूक खुल जाए प्लीज। इसके नियम से शायद आपको पता होंगे लेकिन आपको एक बार फिर और जनता को समझा दे। देखिए, एक एक करके आपके पास धड़ाधड़ प्रश्न आएंगे और 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए अगर वो सही हुआ तो। अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गए तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उसको आप बैंक में जमा कर दें या उन 50,000 से आप अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन फिर से उनको जीवन दे सकते हैं। है कि नहीं? अच्छी बात। तो प्रारंभ किया जाए देवियों सर में सुपर संदूक। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इन विच सिटी इज द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम लोकेटेड? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची? सर बी बेंगलुरु। करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ प्राइम नंबर? ए 11, बी 9, सी 15, डी 20? सर ए 11। करेक्ट। नेक्स्ट, गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा? सर सी सिक्किम। करेक्ट। नेक्स्ट, अकबर रूल्ड इन विच ऑफ दीज सेंचुरीज? For A 14th, B 15th, C 18th, or D 16th? Sir, D 16th. Correct. Next, which of these is the most in number in a human body? A ears, B ribs, C fingers, D nose? Sir, B ribs. Correct. Next, the writer Mahashweta Devi wrote in which language? A Bengali, B Kannada, C Punjabi, D Gujarati? Sir, B Kannada. Wrong. Next, the chemical formula for which of these is NaCl? A water, B ozone, C salt, D iodine? Sir, C salt. C salt is right. Correct. Meter per, next question. Meter per second is the unit of what? Sir, D speed. Weight, length, temperature, speed? Sir, D speed. D speed, right. Next. Ravana Chaya is a type of what? Folk music, painting, martial arts, or puppetry? Sir, it's B
डी पपेट्री करेक्ट नेक्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ए असम बी बिहार सी उड़ीसा या डी उत्तराखंड सर बी बिहार करेक्ट सर आपके 10 क्वेश्चन हो गए टाइम पूरा हो गया बहुत बहुत बधाई आपको कुणाल वेरी वेल प्लेड थैंक यू प्रणाम बताना है सर आपको आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और आप जीत गए 90,000 रुपए अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट्स आए ना उनमें से आप पहले कंटेस्टेंट हैं जो 90,000 रुपए जीत रहे हैं 9 क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड इन 90 सेकंड्स वेल प्लेड जो गलत आंसर आपने दिया था ना वो अब हम आपको सही बता देते हैं प्रश्न क्या था कि द राइटर महाश्वेता देवी रोट इन विच लैंग्वेज ए बंगाली बी कन्नड़ सी पंजाबी डी गुजराती आपने कहा था कन्नड़ नो इट्स बंगाली महाश्वेता देवी बंगाली महाश्वेता देवी को बांग्ला भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ओके कुणाल अब आपको निर्णय करना है बताना है कि आप 90,000 रुपये अपने बैंक में डालना चाहते हैं या इनसे आप अपनी खोई हुई लाइफ लाइन जो कि है आस्क द ऑडियंस वो उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे सर मैं ये अमाउंट को बैंक में डालना चाहूंगा बैंक में डालेंगे ऑल राइट ओके कमरे महाशय कुणाल जीत गए हैं 90,000 रुपये और वो चाहते हैं कि ये बैंक में जमा कर दिए जाए हमारे पास ये डिजिटल ऐप है भाई साहब और आपका यहाँ नाम आ गया आपका एक अकाउंट नंबर आ गया ट्रांसफर ना 90,000 ओके किया कंफर्म किया 90,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त वेल प्लेड कुणाल ऑलराइट तो कुणाल आपके पास अभी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं और अगला प्रश्न है 6,40,000 का और इस सवाल को बेफिक्र के साथ खेलिएगा ये 0 रिस्क क्वेश्चन है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा भारत के नए संसद भवन में लोकसभा के आंतरिक भाग की विषय वस्तु क्या है वॉट इज द थीम ऑफ द इंटीरियर डिजाइन ऑफ द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया और आपके ऑप्शन है ये ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया सी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डी नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पशु बी भारत का राष्ट्रीय पक्षी सी भारत का राष्ट्रीय ध्वज डी भारत का राष्ट्रीय फूल ये सर हाल ही की घटना है जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया सर राज्यसभा की थीम जो है सर वो आई थिंक सो लोटस पे बेस्ड है और ये लोकसभा की बात हो रही है सर वो पिकॉक पे बेस्ड है सर पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड सो आई विल गो विथ बी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ओके फाइनल आंसर आपका यस सर बी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ताला लगाया जाए सर जीत गए आप जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए अनबिलीवेबल 6,40,000 वेल डन लोकसभा का इंटीरियर मोर के ऊपर आधारित है जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जबकि राज्यसभा का थीम जो है वो आपने बिल्कुल सही सोचा कमल का फूल वो राज्यसभा में है और लोकसभा में पीकॉक मोर यस सर हाँ आप पुलिस फोर्स में हैं कुणाल और कई बार बहुत से प्रश्न उठते हैं जनता से भी और बहुत से लोगों से भी कि जितने भी मान लीजिए कोई क्रिमिनल आता है पुलिस उसे पकड़ती है तो क्या स्वभाव होना चाहिए पुलिस फोर्स का उसके प्रति है कि नहीं जैसे क्रिमिनल कोई पकड़ा आपने कहा कि उसको बंद कर देते हैं कई बार उसकी पिटाई वगैरह भी होती है आपका जो डिपार्टमेंट है वो क्या देखता है सर जैसे आपने कहा हमारा डिपार्टमेंट एग्जैक्टली यही देखता है कि पुलिस की कस्टडी में है सो मीन्स लॉ हमें परमिट नहीं करता कि हम किसी को भी नहीं मार सकते सर जी सो लॉ को फॉलो करना चाहिए
सो हम यही सुनिश्चित करते कि अगर कहीं पे भी अब्यूज हो रहा है सो उन पे एक्शन लिया जाए जो इसके जिम्मेदार है. ओके. वो क्रिमिनल पे हो रहा है तो भी सर, क्योंकि लॉ ये परमिट नहीं करता. क्योंकि पुलिस में सर काफ़ी पावर्स है पुलिस के पास, और उस पर भी चेक ज़रूरी है. क्योंकि मैं मानता हूँ सर, सोसाइटी में इमेज कैसी है कि लोग पुलिस से डरते, जैसे आपने कहा. पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर होना चाहिए लॉ का. करेक्ट. या वेल सेड. क्योंकि 99.5% लोग अच्छे इंसान होते हैं सर, और जो 0.5 है उसमें से भी काफ़ी ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस के वजह से या कोई अदर रीज़न के वजह से क्राइम करते हैं या मजबूरी होती है. हार्डकोर क्रिमिनल्स बहुत कम होते हैं सर. जी जी. मैं मानता हूँ सर कि अच्छी तरह से व्यवहार होना चाहिए, और क्योंकि सर ये हमारे लिए भी वो फायदेमंद है. क्योंकि जैसे हम उनसे एक बातचीत होती है, रिलेशन बन जाता है सर. सो जब ये रिलेशन बनता है सर, तो फिर वो आगे जाके हमें इंफॉर्मेशंस देते हैं. क्योंकि मैं मानता हूँ पुलिस से नॉर्मल फ्रेंड से ज़्यादा क्रिमिनल फ्रेंड ज़रूरी है, जिससे हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे और हम आम जनता की ज़्यादा बेहतर वे में उनकी सुरक्षा कर पाए. ये सही कहा आपने कि पुलिस के ऊपर भी एक निगरानी रखने वाला ये आपका डिपार्टमेंट है. यस सर. ओके. ऑलराइट. सर मेरी क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ. जी जी. मेरे और मेरे पापा का तो घर में झगड़ा चलता रहता है, वो मुझे गैर जिम्मेदार समझते हैं. बट सर आपके घर में कैसा है सर अभिषेक जी के साथ? क्या बोलें सर अभी. अभिषेक को सर हमने अपना मित्र समझा है. बहुत पुरानी कथा है कि जब आपका बेटा आपके जूते पहन ले तो फिर वो आपका बेटा नहीं, आपका दोस्त हो जाता है, क्योंकि वो सेम साइज में पहनना चाहता है. तो हमारे जितने जूते हैं अभिषेक साहब ले गए क्योंकि उनको वो फिट होता है. हम जितनी बातें उनसे कर सकते हैं किसी और परिवार के और किसी से नहीं कर सकते, और ऐसा मैं मानता हूँ उनके मन में भी ऐसे होता है. हम लोग आपस में बहुत फ्रीली और फ्रेंकली बात करते, कोई भी संकट हो, दुविधा हो, कहाँ है, क्या करना है, आपस में बात कर लेते. ये रिश्ता है सर हमारा. ओके. भाई साहब आपका क्या है, कुछ कहना है इसके बारे में? वो जॉब में तो परफेक्ट ही है, लेकिन घर के कामकाज में और जिम्मेदारी में थोड़ा 50% है. सर एक चीज पूछिए सर जी. हाँ सर, आपको अपने घर के जो कामकाज है उसी के ऊपर क्यों चिंता लगी रहती है? क्योंकि सर वो काम वो करते हैं ना, इसलिए उनको चिंता ज्यादा है उस चीज की. हाँ सही बात. लेकिन सर आप इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके मन के अंदर जो एक इर्रिस्पॉन्सिबल सन की जो व्याख्या थी आपके अंदर, वो शायद कम हो गई होगी. क्योंकि ये बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं और बहुत ही अद्भुत उत्तर दिए हैं. मैं बता दूं बड़े मुश्किल प्रश्न थे इनके लिए और उन्होंने सब दे दिए. ओके. 12वां प्रश्न आएंगे आपके सामने कुलाल जी. बड़े जिम्मेदारी के साथ आप खेले हैं, तो ये जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये कुणाल. अब कुछ गलत काम मत कीजिएगा. 2 लाइफलाइन है बची हुई आपकी, उनका सही उपयोग कीजिएगा. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर किसने वो नाम रखा था जिस नाम से वो प्रचलित हैं? Who took up the name he is popularly known by after a suggestion made by Maharaja Ajit Singh of Khetri? Option suniye. A. Sri Aurobindo. B. Sri Ramakrishna Paramahans. C. Swami Vivekanand. D. Paramhans Yogananda. ऐसा कहीं पे दिमाग में आ रहा है सर, स्वामी विवेकानंद है शायद ये सर.
सर मैं सी स्वामी विवेकानंद के साथ जाना चाहूंगा सर। सी स्वामी विवेकानंद? यस सर। श्योर हो गए आप? यस सर। ताला लगाने लायक है? यस सर। सी स्वामी विवेकानंद, ताला लगाया जाए। आपने कहा आपने सुना हुआ था ये? मैं शायद मैं पढ़ रहा था सर और मैंने ये नाम मीन्स सुना था कि खेतड़ी वर्ड मुझे याद रह गया था कि खेतड़ी के महाराजा ने इनको ये नाम दिया था। वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र। नरेंद्र। बिल्कुल सही जवाब आपका। ₹12,50,000 जीत गए आप। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उन्होंने अपने जन्म नाम का उपयोग बंद कर दिया और कुछ समय तक सच्चिदानंद नाम रखा था। उसके बाद महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम का सुझाव दिया जिसे उन्होंने रख लिया। वेल प्लेड कुणाल, वेरी गुड आंसर, वेल डन। ये धनराशि का क्या करेंगे आप? सर पहले तो जो कोविड में सर 2020 की दिवाली के बाद सर हम सबको कोविड हो गया सर। ओ दादी कोविड में चले गए। ओ दादा को म्यूकोमाइकोसिस हुआ कोविड के बाद, सो उसके बाद वो भी चले गए। पापा 33 डेज आईसीयू में थे और बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे सर। सो उस वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ी सर। सो कर्ज़ा लिया था सर। सो ये धनराशि से पहले तो कर्ज़ा ख़त्म करूँगा सर जी। और मेरे हिसाब से कर्जे के बाद भी थोड़े पैसे बच जाएंगे सर। तो मम्मी पापा है, फैमिली है, वाइफ है, ब्रदर है, उनकी इच्छा है जो भी होंगी सर, मैं उन्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ सर। सो वो ट्राई करूँगा कि हो सके। well done. आपकी मनोकामना पूरी हो कुणाल जी। और बड़े कष्ट दे दिन थे वो और मैं समझ सकता हूँ कि उस समय हर एक परिवार में क्या चल रहा था। हम सब भी थे सर कोविड से पीड़ित, हम भी अस्पताल में थे 23-25 दिन तक थे और आईसीयू में जाने तक की संभावना आ गई थी। पर एक दिन से फिर मैं थोड़ा सा ठीक होने लगा। पर हाँ ये बहुत ही कठिन समय था सर सबके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपने कर्जा लिया हुआ है वो सब पूरा हो जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं बहुत ही संभाल करके खेले हैं आप, इसी तरह आगे भी खेलिएगा ताकि थोड़ी सी धनराशि और मिले। ऑलराइट, दो लाइफलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस अभी भी बची हुई हैं। आ रहा है 13वां प्रश्न, मूल्य है इसका ₹25,00,000। रेडी? यस सर। 13वां प्रश्न, ₹25,00,000 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। टाइटैनिक के डूबने के 70 साल से भी अधिक समय बाद 1985 में किस पनडुब्बी ने टाइटैनिक के मलबे की खोज की थी? विच अंडरवाटर व्हीकल डिस्कवर्ड द रेक ऑफ द टाइटैनिक इन 1985, मोर देन 70 इयर्स आफ्टर इट्स सिंकिंग? समझ गए सर प्रश्न को? यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए पोसाइडन, बी टाइटन, सी एल्विन, डी आर्गो। सर कहीं पे पड़ा हुआ है बट मुझे टाइटन लग रहा है सर, बट मैं श्योर नहीं। कष्ट होता है ना यहां पर आकर के क्योंकि प्रश्न मुश्किल होते हैं। आपके पास दो लाइफलाइन है अभी बचे, बहुत कम कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो इस स्तर पर आकर के फिर भी लाइफलाइन बची हुई होती है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, ओके। दो बची हुई कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लूंगा सर। ओके,
वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो है ये नाम, सजीव पिल्ले हैं, व्योम व्यास, आदित्य हरिद्वारी। सर मैं व्योम व्यास से बात करना चाहूंगा। व्योम व्यास, ऑलराइट, वीडियो कॉल लगाया जाए व्योम व्यास जी को। ये लग गया कॉल। व्योम व्यास जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, नमस्कार, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हम बढ़िया है, बढ़िया है सर एकदम। आपके मित्र कुणाल यहाँ पर हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जरूर। तो उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगे, उसके चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेंगे 45 सेकंड शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, कुलार तैयार हैं आप? यस सर। और आपका समय शुरू होता है अब। व्योम, विच अंडरवाटर व्हीकल डिस्कवर्ड द रैक ऑफ द टाइटैनिक इन 1985, मोर देन 70 इयर्स आफ्टर इट्स सिंकिंग? पोसाइडन, टाइटन, आल्विन, आर्गो। मुझे श्योरिटी नहीं है बट आई थिंक आर्गो, ई आर्गो सही लग रहा है मुझे, आई एम 2% श्योर। बाकी का मैंने कभी सुना नहीं है नाम, आर्गो नाम सुना हुआ है, दैट इज देयर। कितना कितना कॉन्फिडेंस है? कितना कॉन्फिडेंस? 50%, 50-60% आर्गो है। ओके, कह रहे हैं डी आर्गो, क्या कीजिएगा? सर मैं एक और लाइफलाइन लूंगा सर। ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे, और तीसरी लाइफलाइन लेंगे कुणाल जी, ये है डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। कुणाल भाई साहब, डबल डिप आपकी लाइफलाइन है, आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए, आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। आप पहला उत्तर बताइए। सर डी आर्गो। डी आर्गो कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, इट्स द राइट आंसर। आपके मित्र जो हैं वो सही जा रहे थे। वेल प्लेड कुणाल, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। और दिव्य सज्जनों, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया, वेल डन। सितंबर 1985 में आर्गो नामक एक सबमर्सिबल ने टाइटैनिक के अवशेष खोजे थे। ये अवशेष समुद्र में 3,800 मीटर से भी अधिक गहराई में थे। उदाहरण के लिए यदि आप इस गहराई में बिना सबमरीन के जाएंगे तो पानी के दबाव के कारण आपको लगेगा कि आपके ऊपर 35 हाथी जो हैं वो खड़े हुए हैं। बट वेल प्लेड कुणाल, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। 25 लाख रुपए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप कह रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको पिताजी। वेल प्लेड कुणाल। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा। हूटर बज गया कुणाल, आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा और कल आकर के आपके सामने अगला प्रश्न रखेंगे 50 लाख रुपए का, ठीक है? यस सर। वेल डन सर। ओके, ये मंच, यहाँ के खिलाड़ी और उनका ज्ञान, ये सब देखकर एक बात तो तय है कि जीवन को अपग्रेड करने के लिए ऐप हो या आप, इन दोनों को अपडेट करना बहुत ही आवश्यक हो गया है कि नहीं? ऑलराइट, तो आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।